ज़िंदगी में इंसान की अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी लाइफ में टर्न मार के या टर्न ले के उसको सही नहीं कर सकता, मगर जो इंसान का जो कल्बी स्ट्रेस लेवल है ना, जो स्ट्रेस लेवल है उसका एग्जर्ट करने का, अपने आप को एग्जॉस्ट करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान थक जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी अपने करियर से रिलेटेड हो या अपने रिश्तों से रिलेटेड हो या अपनी कुलियात के लिहाज से हो या जुज़ियात के लिहाज से हो, इंसान की ज़िंदगी इज़ अबाउट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, हत्ता यात्री कल यकीन इस हत्ता कि इंसान को मौत आ जाती है। इट नेवर एंड्स अप। बहुत लोग समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ के रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। ये ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज़ योर प्राइम, दिस इज़ द एज ऑफ योर प्राइम, मतलब जवानी, जमाल, कमाल अपने पीक पर होगा इस टाइम पर। ये वक्त है कि इंसान जो है ना अपने सारे स्पिरिचुअल, फिजिकल, रूहानी, हिस्सी मसल्स एग्जॉस्ट करता है बड़ी सल्तनतें बनाने के लिए। इसलिए आप सल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन राइयति, एवरीबडी विल बी हैंडलिंग एन एम्पायर एंड एवरीबडी विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि उसकी उसने सल्तनत और रियाया के साथ क्या किया। तो हर इंसान की अपनी अपनी सल्तनत होनी है जिसमें लोग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और उसके अंदर उसके रिसोर्सेज होंगे, और उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, उन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करके उसने कितनी बड़ी दुनिया बनाई। ये सवाल तो बच्चों तुमसे आज या नहीं कल कौमें भी करेंगी, तुम्हारे लोग भी करेंगे, तुम्हारा जिस्म भी करेगा और अल्लाह भी करेगा तुमसे एक दिन। सो एक उम्र अच्छी होती है जिसमें इंसान लॉस्ट होता है, गुम होना बहुत अच्छी बात है, जो गुम नहीं हुआ वो रास्ते कैसे दिखाएगा लोगों, मगर कंफ्यूजन और इस्तराब जिंदगी की कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती। इस जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप फिर भी कहेंगे मैंने उस गाली नहीं समझ आंदी पाई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, या ये जिंदगी क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये कायनात क्या है, लोग क्या है। तो कभी ना कभी, कभी कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग ज़रूर देना। यू हैव टू गिव मीनिंग्स टू योर लाइफ, टू योर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद को एक रीज़न देना पड़ेगा आपको। हैरत की बात है जो लोग खुदकुशी करते हैं, मैं तो माइंड साइंसेस के ऊपर छोटा सा शागिर्द हूँ उसका, आई मीन इट्स सो हार्ड टू स्वॉलो। अभी देखें चेस्टर ने जैसे खुदकुशी कर ली, लिंकन पार्क का जो था, इट्स सो इतनी अजीब, मुश्किल और दुख भरी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं दे सका। इट्स वेरी हार्ड, यू नो, इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है उस फील्ड में अपने आप को एक सिग्नेचर बनाने के लिए, एक दस्तखत बनाने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए, मगर फिर भी एक इंसान को अगर कोई ज़िंदगी में कोई विजन नहीं मिला, कोई मकसद नहीं मिला, कोई गोल नहीं मिला, कोई टारगेट नहीं मिला, तो इसे हम अपनी ही कमज़रफी और अपनी ही इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस कहेंगे कि हम इंसानियत को इगरा नहीं दिखा सके। एज अ कम्युनिटी, एज अ पर्सन, एज एन आइडियोलॉग, नज़रियाती लिहाज से, फिक्री लिहाज से, रूहानी लिहाज से, हैरत की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे लोग टूट रहे हैं, और कंप्लेन बॉक्सेस का एक इतना बड़ा सिलसिला है शिकायतों का कि अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, माल, रिसोर्सेज, अशिया भी साथ नहीं दे रहे, बीवी भी साथ नहीं दे रही, खावन भी साथ नहीं दे रहा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, कायनात ही साथ नहीं दे रही, तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता शख्स के कलिमात तो हो सकते हैं, बट जिसने ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से जिया है ना, उसको द आर्ट ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, हो नहीं सकता कि वो किसी मकाम तक ना पहुँचाओ। मैं यहाँ के आपको जुज़ियात और स्पेसिफिकेशन में तो हर इंसान यूनिक है, तो फतवा भी यूनिक ही होगा, मगर कुछ कुल्ली ऐसे जनरल कायदे आपसे शेयर करने आया था कि शायद, यू नो, शायद प्रॉबली अगर किसी की डोर अटकी हुई है ना कहीं पर, या किसी का जो वॉक है, द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक टूवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन एंड सक्सेस, वो सफ़र जो हमने माँ के पेट से शुरू तो किया था, फिर उसको ठोकरें लगती नहीं, उसको मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्राइसिस लगते रहे, फिर वो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी फलान, कभी बाल यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, फिर पूछल पीछे से यूँ, कभी यो, कभी शो, वो जो भी है, तो वो जिधर जिधर भी ठोकरें खा रहा है ना इस टाइम पर, शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, इट माइट हेल्प यू आउट। बेटा ज़िंदगी के अंदर अक्सर कौमों का विजन ही नहीं है, ना लोगों का, ना विजन लेस लोग हैं।
इसलिए उनमें डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, छोटी छोटी बात पे दो रुपए के झगड़े, दो रुपए के मसाइल, मसाइल के ऐ नहीं समझ आता पे, क्यों नहीं समझ आता पे, बस नहीं समझ आता पे, जिद है मेरी, उत्थे ही खलो गया, अगे नहीं जाता पे। तो ये जो जो डेडलॉक्स लाइफ में लगते हैं ना हमारी जिंदगी के अंदर, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे पास शायद कोई इतना हमारी जिंदगी और जात से बड़ा कोई मकसद नहीं होता जिसके तहत हम कहें यार फाइन, व्हाट्स द बिग डील, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इससे बड़ी चीज है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, चलो ठीक है मेरे गोश्त का 20% हिस्सा तुम्हें चाहिए ले लो, मैं 80% से बहुत बड़ा हूँ, यू कांट किल मी, यू कांट नेल मी डाउन। लेकिन जब एक इंसान की जिंदगी में विजन नहीं होता ना, तो वो फिर चिढ़ता भी है, ग्राउची, क्रैंकी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, छलांगे, गुलाटियां, कभी इधर कभी उधर, कभी फलान ज्यादा बोल रहा है, हर किसी को इंप्रेस कर रहा होगा, मैं ये मैं वो, मैं नहीं खत्म होंगी क्योंकि वो एक्चुअलाइज नहीं हुआ हुआ होता, हकीकत तक नहीं पहुंचा होता अपनी जात को लेके। बट व्हेन यू फाइंड अ विजन इन लाइफ, द रियल ट्रू मकसद एंड विजन ऑफ लाइफ, वो एक भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वो ठंड आ जाएगी उसके अंदर, ही विल बी साइलेंट। वो कहते हैं ना जिसको इल्म मिलता है उसे खामोशी लग जाती है, यानी स्टॉप्स द यैप 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 गोइंग ऑन, खामोशी लग जाती है उसको, वो डूब जाता है किसी चीज में, और फिर उसे खड़ा करने के अंदर जो उसको पता होता है ना, जो उसे कायनात हिलानी है, तो आपको एक संजीदगी मिलेगी लोगों के मिजाज के अंदर, जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। जो लोग काम करते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं ना वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। जो गुजर रहे होते हैं ना तकलीफों का, ये आग का समंदर है, डूब के जाना ये आसान काम नहीं है, जिंदगी में कुछ बनना बहुत मुश्किल काम। लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ, यू नो इट्स हार्ड वॉक, जिंदगी एक सख्त सफर है, और इस सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है, लोगों को नहीं। सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर बैठा हुआ ये जो गलीज नफ्स है ना, ये हैंडल करना आसान नहीं है। इस नफ्स की वजह से ही आप दुश्मनों को दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप गैर अहल को उसकी जगह देंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब होंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा नहीं, तकब्बुर, इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज़ क्लेम करना चाहेंगे जो आप डिजर्व नहीं करते, जिसे हम कहते हैं हसद, इसी नफ्स की वजह से आप हमेशा अपने आप को इन्फीरियर हल्का समझेंगे लोगों से, इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल में एक मैं होगी जिसकी वजह से आप अपने विजन अपने मकसद को उठाने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ सकेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप टाइम ज़ाया करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप रिसोर्स ज़ाया करेंगे। ये सारा मसला ही नफ्स का है भाई, मैं जो है ना, ये मैं बड़ा प्रॉब्लम है भाई, मैं क्यों हल्का हूँ, मैं क्यों, मैं अना रब्बुकुम अलआला, ये मैं एक हद तक चली गई कि इसने खुदाई क्लेम कर दी इस दुनिया के अंदर। वो कहता है जी मैंने ही बारिश बरसाई, मैं ही बच्चे देता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं जो फिरौन ने किया, और कभी कभी ये इस मैं को इस लेवल पे जाके गुलाम बनाता है कि वो पूरी बनी इसराइल हो जाती है, वो अपने पोटेंशियल में बिलीव ही नहीं कर पाता, वो मान ही नहीं पाता कि मैं भी कोई बड़ी चीज खड़ी कर सकता हूं। गुलामाना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है, और तकब्बुराना सोच में भी ख्वाब देखना आसान है, क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामों ने क्या करना है, और गुलामी के अंदर ख्वाब देखना इसलिए कुफर होता है कि भाई असल काम तो उनका है, हम तो मजदूर हैं, हमने तो रोज हमें फेंटी पड़नी, और वो हमारी एक्चुअलाइजेशन ही फेंटी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब है, वाकई कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, you respect yourself and you have that self dignity in yourself, कि I'm not a trash or a garbage, मैं कोई कचरा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी जैसे चाहे ट्रीट कर दे, तो ऐसे लम्हात में बच्चों जिंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को तामीर देने के लिए सबसे बड़ा लोहा जो चाहिए ना, वो अपने सीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज़ योर ओन हार्ट, आपका अपना दिल, वो रूह, वो नज़रिया, वो फिक्र, वो तफक्कुर, तदक्कुर, तदब्बुर, दैट इंटरनल इंटेंशनल, आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, वो सारा जो आपका कल्बी निज़ाम है अंदर का, जो सोचता है, समझता है, रीज़न करता है, वैल्यूएटेशन करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है, इफ़ दैट इज़ नॉट इन यू, अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ये 4 साल का बैचलर्स नहीं कर सकते, यही अज़ाब बन जाएगा आपके लिए, यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी आपको मसाइल नहीं आ रहे होंगे नफ्स के, क्यों जाऊँ स्कूल, क्यों क्लास अटेंड करूँ, क्यों इस मौलवी की सुनूँ, क्यों किसी की भी सुनूँ, नफ्स है ना,
نفس کسی کے انڈر نہیں آتا. اس لیے سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں ان نفس الامارۃ بالسوء, انسان کا سب سے غلیظ ایلیمنٹ اگر کوئی ہے نا تو اس کے اندر کی آواز ہے, اس کا نفس, جو اسے کبھی صحیح بات نہیں کرنے دے گا, نہ صحیح بات سننے دے گا, نہ صحیح بات اینالائز کرنے دے گا, نہ حق اور باطل کی تفریق کرائے گا, نہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹیز کے بیچ میں تفریق کرائے گا, نہ کبھی مثبت اور منفی کے بیچ میں تفریق کرائے گا, نہ کبھی بھی آپٹیمزم پیسیمزم کے بیچ میں تفریق کرائے گا. نفس کو کبھی حق پسند نہیں ہے, نفس کو کبھی سچائی پسند نہیں ہے, اسے تنقید پسند نہیں ہے, اسے کرٹیسزم پسند نہیں ہے. اسے پسند ہے تو وہ ساری ڈنڈیاں مارنا, کرٹیلنگ, شارٹ کٹنگ, زگ زیگنگ, وہ سارے مواد اس کو آپ پلائیں, جھوٹ پلائیں, آپ دیکھیں کتنا خوش ہوگا یہ. اس لیے زندگی میں اگر آپ اپنے کسی ویژن کو, کسی خواب کو لے کے اگر بڑھنا چاہتے ہیں, ریمبر ون تھنگ, آپ کو خارج سے تو بعد میں قومیں مارنے آئیں گی. آپ کے خواب آپ کی زبانوں کے اوپر جب آئیں گے تو یہ تو بعد میں ہونا ہے کہ لوگ آپ کو مارنے آئیں گے. آپ کا اپنا نفس ہی اتنا آپ کو ذلیل کر دے گا, اتنا جھکا دے گا, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کوئی چیز ہے, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ ایوریج سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں, وہ ماننے نہیں دے گا اس ایلیمنٹ کو کہ میں اس عذاب, میں اس جہنم سے نکل سکتا ہوں جہاں تک میں لے کے آیا ہوں. وہ آپ کو ماننے نہیں دے گا کہ میں نے یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرنی, میں عام انسان نہیں ہوں, میں اس جیسا انسان نہیں ہوں, میں ان گلیوں اور سڑکوں اور اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا, میں ان فارغ لوگوں کے ساتھ سٹے لگا کے اور چرسے پی کے اور پارٹیاں کر کے ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. آئی ایم فار مور گریٹر دین دیٹ, میں اس سے کافی بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں ان چیزوں سے کہ اس کی بات مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے یا اس کا تانا مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے. اف یو آر لارجر دین لائف, یو نو کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے میرا نام سرخیوں میں لکھا جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا. So the one who wants to create big empires, beta, they talk less and they work a lot on themselves. سب سے زیادہ کام اپنے آپ پہ کرنا پڑتا ہے, پھر کائنات پہ کام کرنا پڑتا ہے. سو آپ دیکھیں گے اگر آپ کی زندگی میں ویژن نہیں ہے نا, آپ دیکھیں آپ میں غصہ ہوگا, آپ میں مطلب غصہ چڑ چڑی ہوگی, آپ کو دبا کے چڑ ہوگی, مطلب اتنی سی پن نہیں کرنی کسی نے, میں رب اوتھا پاندنے میں تھے یہ والا مزاج ہوگا آپ کا. ہلکی سی چیز آپ کو اتنا زیادہ انٹیمیڈیٹ کرے گی, اتنا آپ دیکھیں نا, کچھ لوگوں کا مزاج ہے, ایسا مزاج ہمارے لوگوں کا آپ سوچ نہیں سکتے, منٹ میں دماغ گھوم جاتا ہے. بات ہے نا, ٹاک ٹو دا ہینڈ, میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی, میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا, اتنا مزاج کیوں ہے, کیوں اتنا غصہ پالنے کا بھی وقت کس کے پاس ہے بیٹا, اتنی عشق عاشقیاں کیسے لگا سکتا ہے ایک آدمی, اتنی گفتگویں, اتنی زبان کیسے چلا سکتا ہے جب اس نے زمینوں کو آسمانوں سے ملانا ہوتا ہے, وہ کیسے اتنی باتیں کر سکتا ہے, وہ کیسے اتنا وقت ضائع کر سکتا ہے, وہ کیسے اتنی پھٹیکے پال سکتا ہے. جی فلاں کی اس نے اگر گوچی پہنا ہے نا, میں ارمانی لے کے آؤں گا, یہ پال گلیری پہنا ہے نا, میں پاتک فلپ لے کے, اتنی برانڈ کانشیسنس کیسے ہو سکتی ہے. جس انسان نے کچھ بنانا ہوتا ہے بیٹا, وہ تو اپنی زندگی کو آگ میں ڈالتا ہے, بھٹی میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اس نے پہلے تو نکلنا ہوتا ہے اپنے, میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مڈل کلاس ہوں, میں سوشل کلاس ہوں, میں کمیونسٹ ہوں, میں فلان ہوں, وہ ان کلٹ سے ہی نکلنے کی اس کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے. پھر اس نے جب اپنے ویژن کے ساتھ, ویژن بغیر ٹیم کے تو ہو نہیں سکتا, یہ کس نے کہا ہے کہ میں ہر جگہ, یہ میں کیسے ہو سکتی ہے. قوموں کو اپنے اندر ضم کرنے کا جذبہ, آپ ایک کیسے اتنا بڑا تعمیر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ, لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ, آپ کیسے قوموں کو کنوینس کریں گے. میں یہاں بیٹھ کے اگر بونگیاں ماروں, میں قائل کر لوں گا اتنے بڑے لرنڈ انسٹیٹیوٹ میں کسی کو. آپ کو قوموں کو قائل کرنے کے لیے تجربہ لانا پڑے گا, تجربے کے ساتھ حلم لانا پڑے گا, حلم, عاجزی, ان کی ساری ہیوملٹی. نفس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, سارے چودھری ہوتے ہیں.